गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कहाँ आया हूँ, ट्रेलर देख के कुछ पता चल गया होगा। पूर्णिया का बहुत ही फेमस लिट्टी आलू चॉप और ब्रेड चॉप का दुकान, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या मिलता है, आलू का पराठा भी। आलू का पराठा लेकिन हाल ही फिलहाल में शुरू हुआ है, लेकिन लिट्टी आलू चॉप और ब्रेड पकौड़ा बहुत ही पुराना, साल मतलब काफ़ी साल से मिल रहा है। और जो जो यहाँ पे नहीं खाया है वो क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन वो पछताएगा लेकिन एक बार। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं से शुरुआत करते हैं। पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो नए व्यूअर्स हो। इसका एड्रेस हुआ कॉफी हाउस के ठीक बगल में, इन चाचा का अभी दुकान बैठता है। ये अभी टोटो में, ये चाचा अभी टोटो में लगाते हैं, लेकिन पहले इसका दुकान चाचा का ठेला में था। अभी ये दुकान टोटो में है, क्या समय जगह के अभाव में टोटो में है। आप लोग अगर आरएनसी चौक से आते हो तो कॉफी हाउस के ठीक बगल में ये दुकान रहता है। अगर आप भट्टा से आते हो लेंस कार्ट के ठीक ऑपोजिट में, लेंस कार्ट के ठीक ऑपोजिट में ये दुकान है, याद रखिएगा। समझ गए ना, ठीक समझ जाओगे आप लोग। लिट्टी में क्या क्या रहता है, लिट्टी का मसाला में? चना का सत्तू, चना का सत्तू आदि, आदि लहसुन, मिर्चा, प्याज, प्याज जमन, आपका जमन, इतना दिन का प्याज जमना, जमन मंगे, जमन मंगरेला सहित है, जमन मंगरेला, नमक, लहसुन आदि, मिर्चा है। लिट्टी का साइज यही होता है ना? बस यही साइज है। कितना करके है? 30 रुपया प्लेट। 30 रुपया प्लेट, उसमें कितना कितना देते हैं? दो पीस, घुगनी है, चटनी है, प्याज है, मिर्चा है, जीरा गुंडी। ये कितना साल पुराना दुकान हुआ? ये होगी आपको 18-19 साल। 18-19 साल यहीं पर, यहीं पर 8 साल वहाँ। पहले का रेट क्या था? पहले का रेट था आपको 7 रुपया। अभी तो महंगा है, तो हम क्या करते हैं? अभी जो लाते थे तेल का टीना 1200 में, 1050 में, अभी वो हो गया 2200 रुपया। लेकिन अब चलती है अभी? हाँ, मिला जुला के दाल रोटी निकल जाता, वैसा बाजार नहीं है कोरोना लेकर के, नहीं तो पहले तो पूरा भीड़ लगता था। हाँ, कोरोना लेकर तो, कोरोना लेकर के अभी जिला है, अभी अभी जमाने में 3-4 महीना और टाइम लगेगा। आपका वो उसमें जो घुगनी है, घुगनी में क्या पूरा प्याज लहसुन रहता है ना, उसमें क्या क्या मसाला देते हैं? उसमें वही गुंडी सब, जीरा मरीच की गुंडी, घर वाला अपना ही गुंडी देते हैं, मसाला बना कर मिक्सचर में पीसते हैं, गिल्ला देते हैं, फिर सुखो भी देते हैं। सूखा भी देते हैं? सूखा भी उसमें देते हैं ना। अच्छा। तब ना उधर धरेगा, घुगनी का टेस्ट अलग है। ब्रेड पकौड़ा का कौन सा ब्रेड यूज करते हैं? ब्रेड देख लीजिए, होम ब्रेड, सिल्लीगुड़ी का वो सब है, देखिए वो सब ब्रेड हमने लोकल ब्रेड नहीं करते। अच्छा। सिल्लीगुड़ी का मतलब एकदम स्टैंडर्ड कंपनी का। अच्छा, मतलब खा के आदमी को एकदम गैस उस नहीं, कभी नहीं, कभी पेट खराब भी नहीं सुने आज तक, नाम नहीं कहे हैं, हम सामान एक नंबर रखते हैं। तो चाचा, इस दुकान का टाइमिंग क्या है? ये टाइमिंग है 6 बजे से सुबह आना और 5:30 बजे चल जाना, शाम का बस 5:30। सुबह 6 से लेकर शाम 5, 5:30, 5:30 बस, लेटेस्ट 6:15। लेटेस्ट 6 बजे के बाद अगर कोई अगर नहीं मिले? नहीं, 6 बजे के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि कोरोना लेकर के हम भी सवेरे भाग जाते हैं। पहले 7 बजे तक रहते थे, अब 5:30 बजे रहते हैं, चाहे माल मेरा रहे या चाहे नहीं रहे। ये बात सुन के तो बहुत अच्छा लगा। और पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा का क्या रेट है? सब 15 रुपया पीस, 30 रुपया प्लेट। 15 रुपया पीस, 30 रुपया प्लेट। आलू चप भी 15 रुपया पीस, 30 रुपया प्लेट। आलू पराठा भी 15 रुपया पीस, 30 रुपया प्लेट। सब एक रेट है। आपका बोर्ड में देखे कड़ी चावल भी है? वो कल से निकालेंगे, अभी नए बोर्ड लगे देखिए। अच्छा, कल से निकालेंगे वो। घर में सब स्पेशल बनेगा, घर ही में, बाजार में कोई चीज नहीं। ये चटनी क्या चीज? राई का चटनी। पीला सरसों या काला सरसों? नहीं, काला सरसों। काला सरसों
पीला सरसों का नहीं टेस्ट लगेगा, पीला सरसों नहीं होता, नहीं काला सरसों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि गर्मा गर्म लिट्टी निकल रहा है, एकदम गर्मा गर्म, वो भी ताजा। और तेल कौन सा यूज करते हैं? तेल रुचि गोल्ड, रुचि गोल्ड, अच्छा कंपनी का। हाँ अच्छा, उसमें कोई शिकायत नहीं है, कोई गलती का आज तक नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या? सबसे ज्यादा लिट्टी बिकता है, लिट्टी बिकता है। यहाँ स्वाद मिलता है, घुगनी चटनी मिला करके देते हैं तो खाता है। यहाँ पे सबको एक या दो को, एक या दो करके। हाँ एक या दो। आपका चाचा का नाम है तो? हमारा नाम सुनील सिंह है। सुनील सिंह। हाँ यहाँ हमको बुलाता है महाजन। महाजन। सोमवार से लेके रविवार तक? नहीं शनिचर तक। शनिचर बंद, रविवार बंद, ठंडी में खुलते हैं रविवार। अच्छा ठंड, ठंड का समय में रविवार को खुला जाता है, लेकिन गर्मी में? वो भी तीन एतवार खुलेंगे, एक एतवार बंद रखेंगे ठंड में। रेस्ट चाहिए, रेस्ट होना जरूरी है, ऐसे एतवार हम बंदे रखते हैं खास कर। लेट लग चुका है, अब देख पा रहे हो। अब मैं खा के टेस्ट करके बोलूँगा कि आप लोग को कैसा लगता है। और लेकिन 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 खाने से पहले आप लोग एक बार यहाँ पे अवश्य आइए, बहुत काफ़ी साल पुराना दुकान है। तो मैंने क्या लिया है, ब्रेड पकौड़ा और आलू चॉप। पहला बाइट मैं मुँह में ले रहा हूँ, एक बात मानना होगा, हम लोग घर पे जो आलू चॉप या ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं उस तरह का नहीं है, बहुत ही अच्छा तरह से बना हुआ है, एकदम मुलायम, एकदम नरम, एकदम नरम। ये रहा आलू चॉप। चाचा आलू चॉप का मसाला में क्या देते हैं? आलू चॉप में लहसुन आदि मिर्चा है और सूखा घुटते हैं। जो भी सामान हम बाजार के यूज नहीं करते हैं, मसाला एकदम घर वाला, सब अपना घर में अपना मिट्टी पर घोट करके मिट्टी पर उठते हैं, जो खा रहे हैं गुल्ली सब घरे का है माल बना हुआ। बाजार का मसाला हम कटवे से करते हैं। भाई टेस्ट तो एकदम लाजवाब मिल रहा है खाने में। मैं जल्दी से खा लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। फूड ब्लॉगिंग। आके तो बड़ा मजा आया, टेस्टी भी था, हल्का हल्का तीखा, हल्का हल्का झाँझ आ रहा था वो सरसों का चटनी से, लेकिन मुंह में भाई जब गया ना मुंह में ऑटोमेटिक हल्का हल्का घुलने लगा, क्योंकि इतना नरम था ब्रेड पकौड़ा। और आलू चॉप का तो क्या कहना, बड़ा साइज लेकिन बहुत ही टेस्टी भाई, आलू चॉप बहुत ही टेस्टी। और यहाँ का जो चना है वो अलग ही मज़ा देता है, जब हम या आप
आलू चाप या ब्रेड पकौड़ा या लिट्टी के साथ खाओगे कुछ अलग ही मजा देता है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो उसको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तो जो नया व्यूअर्स हो वो कृपया करके सब्सक्राइब कर दो। तो टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पे।